So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के V23 Pro डिवाइस के Android 14 अपडेट रिलीज डेट के बारे में। गाइज, ये अपडेट जो है इसके अंदर कब तक आएगा, काफी लोग कमेंट्स भी पूछ रहे थे करके कि सर अपडेट कब तक आएगा 14 का, क्योंकि काफी दिन पहले से ये चीजें हो रही हैं। एंड आईकू का जो डिवाइस है वो अपने काफी सारे फोनों में दे चुका है, जी सीरीज में भी शायद में भी मिल चुका है, तो काफी डिवाइस मिल गया, लेकिन इसके अंदर अपडेट कब आएगा उसकी बात करते हैं। एंड कुछ अपडेट्स आपको मैं बता देता हूं, हालांकि एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके फीचर्स वगैरह पे ऑलरेडी बनाई हुई है, जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें इसके अंदर जो मेन हाईलाइट पॉइंट होगा हमारा कंट्रोल सेंटर होगा, क्योंकि वीवो के V27 में भी मैं अभी ट्रायल वर्जन में आ चुका था, काफी लोग अपडेट कर चुके हैं। ऐसे में होता है कि ट्रायल वर्जन से अपडेट मत करना, लेकिन देखो जब तक स्टेबल वर्जन प्रॉपर फोन के अंदर ना आए तब तक मत करना। ट्रायल वर्जन से अपडेट होता क्या था कि कुछ ग्लिच बग्स वगैरह होते हैं तो ऑफिशियली फिक्स कर देते हैं ट्रायल करके, तो अगर ट्रायल में ही अपडेट कर लोगे तो मे भी शायद प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाए, इसलिए ट्रायल में मत करना, थोड़ा सा वेट कर लो, स्टेबल वर्जन आ जाएगा तो आप वहां से कर सकते हो। तो इसमें जो है मैंने आपको कुछ बता दिया स्क्रीन शेवर्स वगैरह की, कुछ हाईलाइट्स पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, इवन गाइज वीडियो रेजोल्यूशन का जो एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो उसका कुछ पॉइंट है, तो ये सारी चीजें मिलेंगे फिलहाल अपडेट में आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम बता दें इसका जो डेट है रिलीज का, ये फ्रंटेज वर्स 14 की तरफ से ही ऑफिशियली एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें काफी सारे फोनों को मेंशन करा हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्कशन में दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हो। फिलहाल इसमें जो है मिड मार्च में 2024 में आएगा। इसमें ऐसा क्या कि ये हो गया है काफी टाइम इस फोन को लॉन्च हुए, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स समथिंग हो गया है, तो ये जो होता है ना जो फोन्स के अंदर अपडेट्स होते हैं हैवी अपडेट्स, मोस्टली 2 अपडेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर 9 था तो 10 होगा 11 होगा, बस ये 2 ही होगा, तो इसके अंदर भी अपडेट्स आएंगे, आपको वेट करना है मार्च तक का, 2-3 महीने का टाइम है, और बाकी सीरीज जो चल रहे हैं चलने दीजिए, आपको बहुत ही जल्दी इसके अंदर भी एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को मिलेगा।